तो ये जो है फ्रेंड्स H61 का बोर्ड है जेब्रोनिक का, H61 का जेब्रोनिक का नया बोर्ड है। और इसका जो है बैक पैनल में ऑडियो आ रहा है और ये फ्रंट पैनल में ऑडियो नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और हम भी थोड़ा परेशान थे। इसमें मदरबोर्ड चेंज कर लिए, कैबिनेट चेंज कर लिए, फिर भी नहीं आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से समझ में आया है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। ड्राइवर भी डाल चुके हैं फिर भी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलता हूँ और एक्चुअल में ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये ऑडियो का जो है ये क्रॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रंट में जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फ्रंट में हम ऑडियो लगाए हुए हैं और फिर भी ये जो है यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। हालांकि अगर मैं इसको निकाल के, जैसे ये मैं लिड अभी निकाला हूँ और इसको अगर मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बैक में मैं लगाता हूँ इसको, तो ये जो है कनेक्ट हो रहा है। इसको अब अपने को यहाँ पर जो है ओके करना पड़ेगा। ये ओके किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये ऑडियो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। पर वही चीज़ को अगर मैं ये लीड को निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये लीड को मैं निकालता हूँ और इसको जो है मैं कैबिनेट के यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने को जाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है, अपने को कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं रियल टेक ऑडियो SD, तो इसमें डबल क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक देख पा रहे हैं ये येल्लो कलर का फाइल जैसा बना हुआ है, तो इस पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं डिसेबल फ्रंट पैनल जैक डिटेक्शन, ठीक है। तो ये जो इसमें जो है ये टिक लगा हुआ है नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में हमको जो है टिक लगाना है और ये ओके करना है। और ओके करने के बाद इसको आप देखिएगा यहाँ पर ये जो अपना ऑडियो का सिंबल बना हुआ है, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी ऑडियो वगैरह अगर है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो हम चले जाते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ चले जाते हैं यूट्यूब में, यहाँ लिख देते हैं अपना चैनल का नाम, क्योंकि दूसरा किसी का चलाएंगे तो कॉपीराइट मारेगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम अपना ही चला लेते हैं। हेलो हाय, नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज हमारे पास एक मॉनिटर आया हुआ है, जैसे तो देख पा रहे फ्रेंड्स ऑडियो बराबर आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से करना है, आपका भी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।